शादी। ये वो शब्द है जो होप्स, ड्रीम्स और थोड़ा सा नर्वस एंटिसिपेशन सब कुछ इको करता है। ये एक शेयर्ड जर्नी की शुरुआत है, एक कमिटमेंट है जिंदगी के एडवेंचर्स को हाथों में हाथ डालकर नेविगेट करने की। हम ऑल्टर के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डाले, दिल प्रॉमिसेस और अनफोल्ड होने वाले ड्रीम से भरे हुए। लेकिन क्या होता है जब हनीमून फेज खत्म होने लगता है? जैसे जैसे साल अपनी इंट्रिकेट टेपेस्ट्री बुनते हैं, एक कॉमन कंसर्न सामने आता है, दोस्तों के बीच धीमे स्वर में विस्पर किया जाता है और दिल के किसी कॉर्नर में पॉन्डर किया जाता है, क्या शादी के बाद आदमी सचमुच बदल जाते हैं? क्या प्यार की छाव में लिए गए वाउज रोजमर्रा की दिनचर्या का सामना करते हुए अपनी चमक खो देते हैं? सच तो ये है, जैसा कि जिंदगी की ज्यादातर चीजों के साथ होता है, सिंपल प्रोनाउंसमेंट से कहीं ज्यादा न्यूएंस्ड होता है। जरूरी नहीं है कि आदमी रातों रात बदल जाए। इसकी बजाय शादी एक नए चैप्टर की शुरुआत करती है, जहां प्यार की मेलोडी एक अलग रिदम में ढल जाती है। कोर्टशिप के शुरुआती दिन अक्सर ग्रैंड जेस्चर्स और लगभग इंटॉक्सिकेटिंग इंटेंसिटी से भरे होते हैं। हर नजर इलेक्ट्रिक होती है, हर टच से रूह कांप जाती है। हम खुद का बेस्ट वर्जन पेश करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने और कैप्टिवेट करने के लिए ईगर रहते हैं। हालांकि शादी एक अलग तरह की इंटीमेसी लेकर आती है। कमिटमेंट का कंफर्ट वल्नरेबिलिटी के लिए अलाउ करता है, हमारे ऑथेंटिक सेल्व्स होने की फ्रीडम देता है। कोर्टशिप के दौरान हमने जो दीवारें केयरफुली खड़ी की थी, वो क्रम्बल होने लगती हैं। हमारी कम्प्लेक्सिटीज और इम्परफेक्शंस को रिवील करती हैं, जो हमें ह्यूमन बनाती हैं। डायनामिक में ये शिफ्ट कभी कभी लॉस ऑफ इंटरेस्ट या पैशन की तरह मिसकंस्ट्रू हो सकता है। प्यार के फायरी डिक्लेरेशंस की जगह शायद क्वाइट एक्ट्स ऑफ सर्विस ले ले, ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स की जगह शेयर्ड रूटीन्स की कम्फर्टिंग प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए। शादी अपने साथ जिम्मेदारियों का एक नया लैंडस्केप भी लेकर आती है। बैचलरहुड के केयरफ्री दिन, शेयर्ड बिल्स, हाउसहोल्ड चोर्स और शायद पेरेंटहुड की जॉयज और चैलेंजेस को रास्ता देते हैं। रोल्स और एक्सपेक्टेशंस का यह रीडिस्ट्रीब्यूशन निश्चित रूप से बिहेवियर और प्रायोरिटीज में एडजस्टमेंट्स का कारण बन सकता है। एक समय का स्पॉन्टेनियस पार्टनर खुद को डेडलाइंस और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस से जूझता हुआ पा सकता है। उसकी एनर्जी मुख्य रूप से अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में लग जाती है। ये शिफ्ट लैक ऑफ लव को सिग्निफाई नहीं करता है, बल्कि ये कमिटमेंट की डीपनिंग सेंस और अपने लव्ड वंस के लिए एक सिक्योर और लविंग एनवायरनमेंट बनाने की इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे इंडिविजुअल समय के साथ ग्रो और इवॉल्व करते हैं, वैसे वैसे प्यार भी करता है। शुरुआती दिनों का पैशनेट इन्फेचुएशन एक डीपर, मोर इंड्यूरिंग बॉन्ड में मैच्योर हो जाता है। हालांकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग और एडेप्टेशन की जरूरत होती है। प्यार की जुबान नए रूप ले लेती है। ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स की जगह शायद क्वाइट इंटीमेसी के शेयर्ड मोमेंट्स, विस्पर्ड सीक्रेट्स और इस कम्फर्टिंग नॉलेज ने ले ली हो कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो जिंदगी के स्टॉर्म्स में आपके साथ रहेगा। सेक्शन 5, एक्सपेक्टेशंस की फुसफुसाहट। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस चुपके चुपके रिश्ते को खत्म कर सकती है। हम अक्सर शादी में इस प्रीकंसीव्ड नोशन के साथ एंटर करते हैं कि हमारे पार्टनर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें कितनी बार अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए और हमारा रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस, जो अक्सर सोसाइटल नॉर्म्स या रोमांटिसाइज्ड आइडियल्स में रूटेड होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना सकती है। जरूरी है कि शादी को एक ऐसी पार्टनरशिप की तरह अप्रोच किया जाए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और साथ मिलकर ग्रो करने की विलिंगनेस पर बनी हो। सेक्शन 6, स्पार्क को फिर से जगाना। छोटे इशारे बड़ा असर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्पार्क को मेंटेन करने के लिए एफर्ट और कॉन्शियस अटेंशन की जरूरत होती है। यह एवरीडे रूटीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच प्यार की आंच को तेज रखने के लिए रास्ते खोजने के बारे में है। ग्रैंड जेस्चर्स की अपनी जगह जरूर होती है, लेकिन अक्सर प्यार के छोटे छोटे रोज के एक्ट्स ही होते हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। सुबह की एक सरप्राइज कप ऑफ कॉफी, तकिए पर छोड़ा गया एक हार्टफेल्ट नोट, हंसी का एक साझा क्षण, ये मामूली से लगने वाले जेस्चर्स आपके पार्टनर को देखा हुआ, एप्रिशिएटेड और चेरिश्ड महसूस करा सकते हैं। सेक्शन 7, बातचीत का पुल। किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप की नींव होती है ओपन, ऑनेस्ट और कंपैशनेट कम्युनिकेशन। यही वो पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है, उन्हें अपनी जॉयज, फियर्स, ड्रीम्स और वल्नरेबिलिटीज को शेयर करने की परमिशन देता है। एक ऐसी सेफ स्पेस बनाएं जहां आप दोनों अपनी जरूरतों,
और इच्छाओं को बिना किसी जजमेंट के एक्सप्रेस कर सकें। अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, न कि बस अपनी बारी आने का इंतजार करें। सेक्शन 8, साथ मिलकर सफर का स्वागत करें। शादी ब्लिसफुल परफेक्शन की स्टेट को अचीव करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो ग्रोथ, डिस्कवरी और अटूट प्यार के एक साझे सफर पर निकलने का एक कमिटमेंट है। यह जिंदगी के इनेविटेबल यूप्स एंड डाउन्स को साथ मिलकर नेविगेट करने के बारे में है। हाथों में हाथ डालें, यह जानते हुए कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। जिंदगी जो भी बदलाव लाती है, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनका स्वागत करें। अपनी ट्रायंफ्स को साथ मनाएं, चैलेंजिंग टाइम्स में कंफर्ट और सपोर्ट ऑफर करें, और उस प्यार को कभी भी नर्चर करना न छोड़ें जिसने आपको पहली बार एक साथ लाया था।